लेकिन कमाल की चीज है, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ इतना बोलते के साथ ही डॉक्टर मेरे ऊपर चढ़ने लगे। ओके, तो पूरा सीन हुआ क्या ये मैं बताऊंगा घर पे जाए। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू द ब्लॉग। तो मेरी शक्ल में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मेरे को कितनी पे नींद आ रही है, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि मैं उठ गया हूँ 6 बजे, क्योंकि मेरे को जाना है हॉस्पिटल। मतलब बता दो बाद में सीन क्या है। तो उससे पहले यार मैं एक पिक अपलोड कर लूँ इंस्टाग्राम में। वैसे तो मैं हर दिन में 2 या 3 कर लेता हूँ जब भी मन करे। कभी कभी तो मेरा मन करता है सारी की सारी एक बार में कर दूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स सब में एक जैसा ही होता है, दिल से लगता है भाई। इसलिए मैं तो चला पहले पिक अपलोड करने और इंस्टाग्राम में जाके चेक कर लेना मैंने कौन सी करी है। ओके सर, चाबी दे यार, स्कूटी की दूसरा हेलमेट निकाल दो, इससे गला दबा रहा है। I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you think. I need to know your feeling. कपड़ा नहीं है यार, मैंने हेलमेट चेक करा, दूसरा वाला हेलमेट तो उससे गला दबा रहा था, इस वाले हेलमेट से सिर दबा रहा है। जो मैंने चेक किया वो वाला मेरे को मिला नहीं, शायद ऑफिस को छूट गया होगा। ओके माय स्टोरी, बट डोंट गेट टू क्लोज टू मी cuz आई नीड माय फैंटेसी। हियर आई एम फॉलिंग नाउ, क्रैशिंग डाउन, एंड आई फील लाइक आई डोंट नीड यू। हियर आई एम फॉलिंग नाउ, डीप इनसाइड, एंड आई फील लाइक आई डोंट नीड यू। ओके, तो फॉर्म यार मैंने फिल करा और इसमें पता है कोविड वाला फॉर्म भी था नीचे। ओके, तो यार बेसिकली मुझे हुआ यह है, समर्स की वजह से ना तो बॉडी एलर्जी हो रही है और कहीं कहीं मतलब इचिंग होने लग जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा सीन है। तो ऑलमोस्ट यार अभी तक मतलब क्लिनिक्स खुले नहीं है, पर कम से कम 9 से 10 बजे तक सब कुछ ओपन हो, 9 बजे तक सब ओपन हो जाएगा, 10 बजे तक शायद मैं घर पर भी पहुँच जाऊँ। वैसे कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी कम टाइम लगता है। और वैसे मैं एक बार पहले आया था यहाँ इसी चक्कर में और एक बार अब आया हूँ। पहले मैं करीब आया था 2 या 3 साल पहले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बाय द वे अभी मैं वैसे क्लिनिक में हूँ, अभी नंबर आए नहीं, नंबर आने में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, और उसके बाद मेरे को जाना सीधा यहाँ से घर। और सीन ये हो गया था नीचे, पता है उनके पास चेंज नहीं था, उसके बाद यार फिर चेंज कहते ना कहते अरेंज किया, लेकिन बाद में उनके पास चेंज आ गया था। सोल्डन यार मेडिसिन ले ली मैंने अंदर, थोड़ी मतलब बाईस हो गए डॉक्टर से, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, हल्की सी बस। और अक्सर वैसे मेरे डॉक्टर से होती रहती है, लेकिन कमाल की बात है मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो पूरा सीन हुआ क्या ये मैं बताऊंगा घर पे जाके, क्योंकि अभी मैं रोड पे हूँ, अभी मेरे हाथ पे प्याज है वो भी कुछ ज़्यादा। बैठो, नहीं गिरेगा। You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, 'cause I need my fantasy. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. तो मैं अब बताता हूँ यार, एक्चुअली में ना वहाँ पे हुआ क्या था। तो मैं वेट कर रहा था अपनी बारी आने का, जैसे ही मेरा नंबर आया उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने प्रॉब्लम बताई, ठीक है, डॉक्टर ने बोला प्रॉब्लम बताओ, मैंने प्रॉब्लम बताया। उसके बाद सीन ये हुआ कि मैं डॉक्टर को बताने लगा कि मैं 3 साल पहले भी यहाँ पे आया था और मेरे को यही सेम प्रॉब्लम हुई थी। सिर्फ इतना बोलते के साथ ही डॉक्टर मेरे ऊपर चढ़ने लगे। डॉक्टर ये बोलने लगे सीधा, तुम डॉक्टर हो? पहले तो मैंने सोचा यार तुम डॉक्टर हो क्यों पूछा, फिर जब डॉक्टर ने बोलना चालू करा ना मैं समझ गया वो मेरे को चमकाने की कोशिश कर रहा। तो उसने बोला एक ही बीमारी के तुम्हें कितने सारे सिम्टम्स गिना दूं, ये वो वगैरह वगैरह, फिर मैं एकदम शांत हो गया।
लेकिन कमाल की चीज है, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब है अराउंड तीन साल पहले जब मतलब मैं एक्ने से मतलब सफर कर रहा था, उस समय की बात है जब मेरे फेस पे एक्ने वगैरह थे, तब मैं हॉस्पिटल में जाता था मेडिसिन वगैरह लेने। तो एक बार गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे सीनियर हो गया था कि ना कोई भी चेक नहीं करता था, क्योंकि उनका सिंपल रहता था। वो सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट थे जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसके बाद ये था कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाता है ऐसे प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। तो सीन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे जितने भी फीमेल डॉक्टर्स थी ना, वो कोई सा भी मतलब चेक नहीं करता था कि मतलब बंदे को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको मतलब सीधा पता था, उनके पास कोई सी भी प्रॉब्लम होगी ना, स्किन रिलेटेड कोई सी प्रॉब्लम होगी ना, वो तुम्हें एक ही मेडिसिन पकड़ा देंगे। तो ये सीन था कि मैं दो तीन बार गया, किसी ने चेक नहीं किया। जब मैं फोर्थ टाइम गया ना, तो मैंने मास्क लगा रखा था, सर्दी का टाइम तो वैसे ही था और फेस पैक ने वैसे थे मेरे। और उसके बाद सीन ये हुआ कि जैसे मैं अंदर गया तो मैंने मास्क निकाला नहीं, मैं मास्क निकालना भूल गया। तो उसके बाद वो डॉक्टर मेरे ऊपर चढ़ गई। उसके बाद डिप्रेशन का टाइम तो मेरा वैसा ही था, और उसके बाद मेरा मूड खराब हो गया। पूरे दिन वो दिमाग में चलती रही बात। तो दिन मेरा बड़ा बेकार था। तो एक वो उस समय की बात है, एक इस समय की बात है। तो जब डॉक्टर मेरे ऊपर चिल्लाने लगी ना इस समय, तो मेरे को बड़ा मजा आया, क्योंकि जब भी कोई बंदा मेरे ऊपर चिल्लाता है ना, तो मैं अपने पेशेंस लेवल को टेस्ट कर लेता हूँ। तो मतलब मैं हमेशा सक्सेसफुल रहता हूँ अपने पेशेंस लेवल में, और सामने वाले का भी ये सिस्टम पता चल जाता है कि मतलब वो इमोशनली और मेंटली कितना वीक है। तो इसीलिए कोई भी कुछ भी बोलता है, ऑलवेज साइलेंट। तो मेरे को इतना क्या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, मजे आया और आए। और दिक्कत ये थी मेरे को, थोड़ी नींद भी आ रही थी ना, तो मैंने बस यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बस ये सीन था। बट दिक्कत ये था कि डॉक्टर ना समझ नहीं पाई, मैं पूछ रहा हूँ, डॉक्टर ने पता क्या बोला, तुम डॉक्टर हो? जबकि मैंने क्या बोला था कि मैम मेरे को एक प्रॉब्लम हुई थी, एक पेशेंट पूछता है, जो कि मैंने पूछा, और वो मेरे को कहने लगे तुम डॉक्टर हो, वाह वाह। अगर ये तब बोलती जब मैं कोई एडवाइस देता, मैंने नहीं कोई एडवाइस दी, मैंने बस प्रॉब्लम बताई। तो शायद यार आज डॉक्टर्स डे था, तो डॉक्टर का मूड खराब हो रखा होगा, किसी ने विश किया नहीं। और मेरे को पता कैसा पता चला, मैं बाहर निकला जैसे हॉस्पिटल से, तो मैंने ऊपर नोटिफिकेशन देखी, मैंने कहा हुआ क्या बात है, शायद इसी चक्कर में भी डॉक्टर का दिमाग खराब हो सकता है। तो बस मैं शांत रहा, डॉक्टर जो बोलती गई मैं सुनता चला गया, और बस मैं सीधा वहां से बाहर आया। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि मेरे पेशेंस लेवल कितने बढ़िया हैं। लेकिन यार जो भी होता है ना, बढ़िया होता है। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर ने किस बेस में कहा तुम डॉक्टर हो, जबकि मैंने बताया था कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी पहले। अगर मैंने कोई एडवाइस दी होती, हाँ ये ऐसे 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 ठीक हो सकता है, तो मे बी यार डॉक्टर कहती कि तुम डॉक्टर हो क्या। इससे मेरे को एक और किस्सा याद आ गया, यही जब मेरे फेस में एक्ने वगैरह थे करीब 5 साल पहले या 6 साल पहले, तो मैं डॉक्टर के पास गया था। तो मैं एक उससे पहले एक सोप यूज किया करता था, टेटमोसोल नाम का, तो किसी ने रिकमेंड किया था, तो मैंने यूज कर लिया। तो फिर जब मैं क्लिनिक में गया, तो डॉक्टर ने पूछा क्या यूज करते हो, मैंने कहा कुछ नहीं, एक सोप है टेटमोसोल नाम का, बस मैं वही सोप यूज करता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को यही कहा, तुम ही खुद क्यों नहीं डॉक्टर बन जाते, मेरे को इतनी हंसी आई, जबकि मेरे को किसी और ने रिकमेंड करा था। बस वही है ना कि चोर के साथ रहने वाला चोर होता है। ओके, तो दिन खराब है कहने का मतलब है, कल रात को जो मैंने आइसक्रीम खाई थी उसका टेस्ट भी इसी की तरह है, मतलब बड़ा अजीब टेस्ट है। पानी आ गया यार, पानी भी कभी भी सरप्राइज कर देता है।